हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे मैं सर अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सर आज का वीडियो बनने जा रहा है कि वहाँ पे अभी नाटक हो रहा है, मतलब उधर गांव का, मतलब स्कूल के पास, तो वहाँ पे आप लोगों को दिखाते हैं। तो चलते हैं वीडियो के यार, आप लोगों को दिखाते हैं। मतलब तो देखिए दोस्तों, अभी तो यहाँ पे हम आ ही गए हैं, तो यहाँ का आप लोगों को दिखाने जा रहे हैं। तो यहाँ पे नाटक हो रहा है, मतलब घर पानी चुह रहा है, तो वही आप लोगों को दिखाने का प्रयास करते हैं। शुरुआत किया जा रहा है, तो चलिए नमस्कार प्रणाम। आप जितने भी यहाँ पर उपस्थित हैं, स्वागत अभिनंदन वंदन और हमारे टीम की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि हम आप सबको बता दें कि दीप पाटलिपुत्र सेंट्रल कोऑपरेटिव ऑफ बैंक लिमिटेड की तरफ से जो भी बैंक का जो संदेश है, नाटक के माध्यम से, संगीत के माध्यम से आप तमाम पब्लिक के बीच में गीत और संगीत के माध्यम से पहुंचाई जाएगी। और यह प्रस्तुति प्रहरी के कलाकारों के द्वारा की जा रही है, तो हम चाहते हैं कि हम कलाकारों के लिए एक छोटा सा प्यारा सा जोरदार ताली लगा दें हौसला उपजाए के लिए। देखिए अभी नाटक स्टार्ट हो ही गया है, तो अभी यहाँ से आप लोगों को बिना बोले मतलब वीडियो को दिखाएंगे। तो वैसे तो नाटक बहुत अच्छा लग रहा है, छिपा लगा रहा हूँ। गर्मी में धूप से परेशान। अरे कहा हुआ दिन रात छिपा लोटा थरिया करते रहती है, आप कोई काम धंधा नहीं है। आंख की आलू के फांके नहीं बुझा रहा है, सब घर में पानी चू रहा है। अब तो चू रहा है तो का करे भैया, बतलाइए। अब कच्चा मकान होता चाची चूहे ना करेगा, है अब बतलाइए। अब बात ऐसा है कि अब पैसा कौड़ी रहेगा तब ना। घर में पानी चूरा है, तो मतलब कर्जे लेके घर बनाने के प्रयास कर रहे हैं, तो वही आप लोग को दिखाया जा रहा है कि बैंक से लोन लेने के लिए। अगर आप लोग को दिखे और समझिए, और गिर जाएगा बरसात में तो हम लोग चल के मर रह जाइएगा। अरे तो हम का कर सकते हैं बताइए, हम किसान आदमी है भैया, दो बस की रोटी कैसे कैसे कमाते हैं, तो घर चलाते हैं। अब मकान इतना मकान बनाने में तो जानवे को दी कितना पैसा खर्चा होता है। तो हम पैसा कहाँ से ला, कहीं से चोरी डकैती करके लावे? चोरी डकैती करने के लिए ना बोल रहे हैं। हाँ चलिए महाजन के पास कर्जा लेके ईश्वर पक्का का घर बना ही लेते हैं। मतलब महाजन से कर्जा लेके घर बना लेंगे? कुछ मत बोलिए, चुपचाप हम जैसे कह रहे हैं चलिए पढ़ाई करने के लिए। जाओ बेटा, अब पक्का के मकान जरूर बनाइए अभी। ठीक है जाएगा बेटा, चिंता मत करो। ठीक है माँ, चलिए। मतलब सोच लो, एकदम हम सोच लिए है, घर बनाना जरूरी है। जरूरी है जी। आ चलो आपका, चलो ठीक है, चलो चलते हैं। दुख बर्दाश्त नहीं होता। चलो आपका। अरे देर ना हो जाए कहीं, देर चल के हम बात करेंगे, ठीक ना। लबर लबर मत बोलना घर की तरफ। आजी राम बाबू, प्रणाम प्रणाम। आई बताइए, मियां बीवी एकदम तैयार हो के अब फुसुर फुसुर का बात कर रहे जी? बात ऐसा है ना कि आप तो मेरा जान ही रहे है, पूरा घर का हाल है। हाँ बोलिए। आप तो हमारे घर का स्थिति जानते ही हैं। एकदम बारी किसे जानते हैं? अरे हमसे हमारा टोला मोहल्ला, हमारा गांव छुपल है, एक नहीं जानेंगे। और जानबे करते हैं कि आज तक मेरा पक्का का घर बन नहीं पाया। एकदम नहीं, तो हम लोग महाजन के पास जा रहे हैं कर्जा लेके घर बना लेंगे इस बार। हाँ काहे कि जानते हैं मास्टर साहब, अब बच्चा को पढ़ने लिखने में बड़ा तकलीफ है, बड़ा दिक्कत होता है। आ एक तो पर परिवार आ जाता है तो सूतने पढ़ने में भी दिक्कत होता है। तो हमारी बीवी बोली ना कि चल के महाजन के पास कर्जा लेके घर बना लेंगे, उसके बाद धीरे धीरे करके भरपाई कर देंगे। देखिए भाई साहब,
अब देखिए मैडम जी, अब कहना ये है कि महाजन के पास आप जाइएगा ना, हाँ, तो ध्यान से सुन लीजिए, महाजन के पास जाइएगा तो अच्छा आपको महाजन कर्जा देगा 12% पर। आपके पतिदेव कितना कमाते हैं, कैसे होगा, क्या करना चाहिए, अब 250 रुपया कमाते हैं, गरीब लोगों के लिए है ज्यादा, तो बना लीजिएगा भाई साहब। हाँ। लेकिन का है कि पक्का दुर्वा मठिया में हो रहा है, तो जो महाजन से कर्जा आप लीजिएगा ना, तो कर्ज भरते 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 आपको पक्का का मकान भी दिख जाएगा।